गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू तिवारी क्लासेस। तो यार 24 के लिए जितने भी बच्चे बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग डेली यूट्यूब पे लेकर के आते हैं, इससे जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन को अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। देखिए गाइस, अगर तिवारी क्लासेस से जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग अभी ऑन गोइंग कोर्सेस चल रहे हैं, जुड़ करके जो है आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं 2024 के लिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सब कोई जो है जुड़ जाइए, फटाफट सेशन शुरू किया जाए। आज जो है हम लोग देखने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट्स पार्ट वन, यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट वन का जो है आज देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा लोग। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, कह रहा है कि लाइट ईयर जो होता है किसकी मात्रक होता है, लाइट ईयर किसकी मात्रक होता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग आंसर कीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, टाइम हो जाएगा या मास हो जाएगा या डिस्टेंस हो जाएगा या एनर्जी हो जाएगा, समय हो जाएगा या द्रव्यमान होगा या दूरी होगा या ऊर्जा होगा। बताइएगा किसका यूनिट होगा। चलिए आंसर कीजिए लोग। सी, वाओ, सबका आंसर सही आ रहा है, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है ये आपका दूरी का मात्रक होता है, किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। और ये जो है वन ईयर में लाइट के द्वारा तय किया गया दूरी होता है, ठीक है। वन ईयर में लाइट द्वारा जो है ट्रेवल डिस्टेंस होता है। अगर इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि हाँ भाई एक प्रकाश वर्ष में कितना डिस्टेंस होता है, कितना किलोमीटर, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बताए भी थे। तो एक प्रकाश वर्ष में जो है आपका डिस्टेंस अगर देखें, एक प्रकाश वर्ष में, तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो स्पीड किसका लेना है, प्रकाश का जो स्पीड होता है वैक्यूम में उसको लेना है। तो प्रकाश का स्पीड कितना होता है बताइएगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और टाइम जो है एक साल का, तो एक साल में कितना दिन होता है, 365, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और आवर्स को जो है आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना सेकेंड हो जाएगा। तो ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इस सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 9.47×10⁵ मीटर आता है आई थिंक, ठीक है।
स्पीड इनटू टाइम, वेरी गुड। चलिए तो ये जो है आपका, ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कितना आता है, इसे किलोमीटर में भी आप लोग बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, हाँ सी आंसर होगा, सबका सी हो जाएगा। थ्योरी क्लास ऐप पे होती है। थ्योरी क्लास के लिए जो है आप लोग ऐप्स पे जो है थ्योरी क्लास होती है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी क्लास जो है ऐप पे ज्वाइन कीजिएगा, ऐप पे जो है आपका थ्योरी क्लास लिया जाता है और न्यूमेरिकल भी होता है। प्लस में यहाँ पे यूट्यूब सेशन जो है डेली हम लोग लेते हैं, ताकि बाहर के बच्चों को, जो बच्चे जो है नहीं कोर्सेस लिए हैं, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि का परिमाप माप की विधि पर निर्भर करता है, माप की विधि पर निर्भर नहीं करता है। सीजीएस प्रणाली की तुलना में एसआई प्रणाली में अधिक है। द्रव्यमान लंबाई और समय की मूलभूत इकाइयों के सीधे अनुपातिक है। हिंदी में देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड जो है किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, इज मोर इन एसआई सिस्टम देन इन सीजीएस सिस्टम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाप होता है वो किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। आंसर कीजिएगा लोग, सी, सी कर रहे हैं। डी, सबको डी आंसर। सीजीएस मात्रक का जो है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जो है, बताइए मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है, उसके जो है आपका जैसे किसी भी क्वांटिटी को, जैसे लेंथ हो गया तो लेंथ का मैग्नीट्यूड लिखना है तो 3 × मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ माप की विधि पर निर्भर करता है क्या, तो ये कैसे कह सकते हो कि माप के विधि पर निर्भर करता है, माप के विधि पर निर्भर नहीं करता है, तो ये बात सही हो सकता है। देखिए मापने पे जो है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ी डिपेंड करेगा माप के विधि पे, ठीक है, वो तो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, सीजीएस प्रणाली तो ये भी तो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान लंबाई, ये जो जितने भी ऑप्शन देख रहे हो 4 में से 3 जो है एकदम बिल्कुल इरिलेवेंट है, कोई भी इससे जो है मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट पे जो है मेजरमेंट के मेथड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मेजरमेंट के जो है मेथड पे डिपेंड नहीं करेगा। मेजरमेंट जो है कैसे करते हो उसके मेथड पे डिपेंड ये करने वाला है, कोई मेथड पे डिपेंड नहीं करने वाला, एक्चुअल मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा।
आप लोग सी आंसर क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तो हो चुका है ना बी। अभी जो है कुछ लोग सही आंसर किए हैं, अभी जो है कुछ लोग सही आंसर किए हैं, तो बी बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, देखिए ये जो है वन सेकेंड का डेफिनेशन है। वन सेकेंड का डेफिनेशन जो होता है ये आपका 91, 92 और 6317770 जो है घड़ी का समय होता है, इसे हम लोग वन सेकेंड के बराबर लेते हैं, एक सेकेंड बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग किए थे, ये क्वेश्चन जो है आप लोग किए थे। ठीक है, सभी बच्चे जो है इसका आंसर कीजिएगा, एक बार हुआ था ये क्वेश्चन। ये जो है आपके सीजीएम क्लॉक के बोले भी थे कि 91, 92 याद रखिएगा, इसी से शुरू होता है, स्टार्ट होता है सीजीएम क्लॉक के। इतना जो है आपका अवधि को जो है एक सेकेंड लिया जाता है, घड़ी की समय की अवधि को एक सेकेंड जो है लिया जाता है। तो 91, 92 इनमें से किस में, डी ऑप्शन में जो है शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है इसमें डी ऑप्शन से शुरू हो रहा है। चलिए सब कोई आंसर कर रहे हैं आप लोग। ये जो है आपका एक सेकेंड का डेफिनेशन होता है, ये जो है आपका डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है। बोले थे कि जब भी सेकेंड के लिए पूछेगा तो ये वाला कोड जो है 91, 92 याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड के लिए जो है ये आपका कोड जो है याद रखिएगा। ठीक है, इससे आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड डियर स्टूडेंट, सबको जो है अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा, वेवलेंथ ऑफ रे लाइट इज इट इज इक्वल टू, वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज इक्वल टू, कह रहा है वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कह रहा प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य है या बराबर है, किसके बराबर है, 6 माइक्रोन, 60 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 0.6 माइक्रोन्स। ठीक है, बताइएगा ये किसके इक्वल होता है, आंसर कीजिए लोग, किसके इक्वल होता है। प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य कितना के बराबर होता, कितना के बराबर होता, प्रकाश के किरण की तरंग दैर्ध्य कितने के बराबर होता है, आंसर कीजिएगा लोग। पूनम आर्मो गुड इवनिंग, जुड़ जाइए लोग फटाफट और आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। प्रकाश के किरण 6 माइक्रोन, टी डी डी में 0.6 माइक्रोन, 60 माइक्रोन के इक्वल होता है, 60 माइक्रोन के इक्वल होता है। ठीक है, 60 माइक्रोन के इक्वल होता है, आप लोग डी आंसर कर रहे हो, बी जो है मुनीश कुमार प्रजापति। ठीक है, ये दिए आंसर सिर्फ 0.6 मीटर होता है ना, ये माइक्रोन्स में है। ठीक है, ये माइक्रोन्स में है, 0.60 माइक्रोन्स होंगे, 60 माइक्रोन्स होंगे। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए 60 माइक्रोन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है आपका 60 माइक्रोन हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा क्या कह रहा है, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी
इंक्रीज्ड, यूनिट ऑफ एनर्जी जो है कितना टाइम्स इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप लोग का कर रहा है कि यदि लंबाई और बल की इकाई को चार गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा की इकाई बढ़ जाएगी, कितना गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, लंबाई और बल, तो आप लोग जो है ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, वर्क बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, वर्क मतलब कार्य, कार्य बराबर क्या होता है बल गुना लंबाई या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ही जो है आपका लंबाई ही होता है। बल और लंबाई को जब गुना करते हो तो आपका क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा, कार्य को ही ऊर्जा के बराबर लिया जाता है। कार्य या ऊर्जा जो है सेम होता है आपका, कार्य या ऊर्जा जो है सेम होता है। तो बताइए बल को कितना गुना बढ़ा रहा है, यदि लंबाई और बल की इकाई को चार गुना बढ़ा दिया जाए तो बल को जो है चार गुना बढ़ा दिया जाए, जैसे कि F इज इक्वल टू होता है आपका F इंटू एल ले लेते हैं, ठीक है, F इंटू एल होता है, तो इसको बढ़ा रहा है, तो ये बढ़ाएगा तो W डैश हो जाएगा, और F को कितना कर रहा है, F को जो है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, F को जो है यहाँ पे कर सकते हो, F को देखिए, F को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, F को कर सकते हैं F डैश इंटू एल डैश कर लेते हैं, ठीक है। F डैश जो हो जाएगा वो 4F हो जाएगा, क्योंकि चार गुना बढ़ रहा है, तो F डैश जो हो जाएगा वो 4F हो जाएगा, और L डैश जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा आपका 4L हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4F इंटू एल डैश का वैल्यू लोगे तो कितना हो जाएगा 4L हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और F इंटू एल हो जाएगा, और F इंटू एल बराबर क्या लिख सकते हैं W, तो बताइए 16 इंटू डब्लू, डब्लू डैश इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 16 इंटू डब्लू, कितना हो जाएगा 16 इंटू डब्लू हो जाएगा, तो बताइए 16 जो है आपका क्या सी आंसर कर रहे हैं आप लोग, सी वेरी गुड, 16 टाइम्स जो है इंक्रीज कर जाएगा, 16 टाइम इंक्रीज कर जा रहा है, 16 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है, क्या बढ़ जा रहा है 16 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है, 16 गुना जो है आपका बढ़ जाएगा, समझ में आया क्या। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को और एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बहुत आसानी से बनने वाले हैं। चलिए बस देखना है कि हाँ क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन जो है क्या पूछना चाह रहा है इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि टेस्ला इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग, टेस्ला जो है किसकी माप का मात्रक होता है, किसकी मात्रक होता है टेस्ला, टेस्ला का नाम आप लोग सुने हैं जो कार बनाती है वो वाला टेस्ला नहीं, यहाँ पे जो टेस्ला होता है आपका ये फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, देखिए क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण या इसको चुंबकीय क्षण लिखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चुंबकीय ध्रुव शक्ति, बताइएगा इसमें किसका जो है यूनिट होगा, टेस्ला जो है इसमें किसका यूनिट होगा, टेस्ला जो है इसमें किसका यूनिट होगा बताना है, टेस्ला जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन देना चाहिए, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन छूट गया है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन देता तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण होना चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है आपका इसका
होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का जो है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है आपका क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विद्युत क्षेत्र प्रेरण का भी यूनिट क्या होता है, टेस्ला ही होता है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन जो है बी होगा। आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन जो है बी होगा आपका। बी चलिए बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होता है, क्यों इतना परेशान हो? हाँ हाँ केवल ऑब्जेक्टिव, ड्रीम यूपीएससी आईएएस अंश बाबू, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो टेस्ला जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो होता है आपका, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियॉन इन अ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा वोल्ट वोल्ट्स, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, किसी नाभिक में न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा कुछ कोटि की होती है, कितने कोटि की होती है, कितने कोटि की होती है, ये आप लोगों को आंसर करना है, कितने कोटि की होती है ये आपको बताना है। कि न्यूक्लियस में जो बंधन ऊर्जा होता है वो किस ऑर्डर की होती है, चलिए कितने कोटि की होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी एनर्जी का ऊर्जा, एनर्जी का मात्रक होता है। आर्ग भी ये सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है आपका ऊर्जा का, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का ही मात्रक है, लेकिन ये बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक है ऊर्जा का, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है ये, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब एनर्जी ज़्यादा होता है तो हम लोग मेगा, गीगा, ठीक है, टेरा में जो है सूचित करते हैं। तो देखो न्यूक्लियस में जो होता है, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस जब फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर्क वोल्ट, इस सब में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बहुत कम एनर्जी होता है, ये आर्क जो है ये भी जो है आपका उतना बड़ा एनर्जी का यूनिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट्स तो एनर्जी ही है, लेकिन ये आपका वहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, केवल वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल का आपका यूनिट हो गया। तो यहाँ पे मेगा वोल्ट देखते हैं, तो मेगा वोल्ट जो है इस लेवल का ऑर्डर का जो है एनर्जी होता है आपके न्यूक्लियॉन्स के अंदर या किसी नाभिक में, ठीक है। क्योंकि जब भी आप सुने होइएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, तो इन प्रोसेसेस में जो है बहुत हेवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो है आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में ही होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, पार्सेक जो है किसका यूनिट होता है, पार्सेक जो है आपका किसका यूनिट होता है, ये देखिएगा, पार्सेक जो होता है आपका किसका मात्रक होता है, इसको बताना है आपको कि पार्सेक किसका मात्रक होता है,
पार्सेक जो है किसका मात्रक होता है बताइएगा लोग। चलिए आंसर कीजिए आप लोग, के आंसर का वेट कर रहे हैं। पार्सेक पढ़ाया गया है, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम एंगल, किसका मात्रक होगा पार्सेक। साक्षी शर्मा डी ऑप्शन दे रहे हैं, एंगल। एंगल का मात्रक जो है आपने पार्सेक कहीं सुना है क्या? एंगल, एंगल जो है पार्सेक में मापी जाती है क्या कहीं पे? आदित्य कुशवाहा बताइएगा। साक्षी अभी भी आपको नहीं समझ में आया क्या? हाँ बाकी सब लोग जो है, बाकी सभी लोगों का आंसर लगभग सही आ रहा है। देखिए ये जो पार्सेक जो होता है आपका डिस्टेंस का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? डिस्टेंस का। पार्सेक जो होता है, पार्सेक जो होता है डिस्टेंस का मात्रक होता है। ये सभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में यूज किया जाए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं ये, एस्ट्रोनॉमिकल खगोल मात्रक होते हैं। जब भी जो दूरी होती है बड़ी होती है उसे जो है हम लोग इन सब में मापते हैं। ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड। दूरी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दूरी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पार्सेक जो है आपका क्या होता है? पार्सेक जो होता है ये आपका ठीक है। चलिए वेलोसिटी जो है आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मात्रक अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है आपका? वेग बराबर हो जाता है विस्थापन बटा क्या होता है? विस्थापन बटा होता है आपका समय। क्या होता है? विस्थापन बटा होता है समय। तो विस्थापन का मात्रक जो होता है मीटर होता है, विस्थापन एक दूरी ही है, और समय का जो होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। समय का लिए जो है अगर देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड होता है। समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। और कोण के लिए जो आप लोग आंसर कर रहे हैं, कोण, देखिए कोण का मात्रक जो है एक तो आप लोग डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, और एक रेडियन होता है। रेडियन जो होता है ऐसा यूनिट होता है, रेडियन होता है आपका कोण का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है। तो इन सब का जो है आप देख पा रहे होंगे कि कोण का तो कभी हो ही नहीं सकता। एक जो लड़की है आंसर कर रही थी बार बार, ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पे रेडियन ये सब चीजें से जो है ये जितनी भी क्वांटिटी है आपको ये सब पहचाना हुआ, लेकिन इन सब में से ही आपको पार्सेक याद रखना है कि हमेशा दूरी का मात्रक होता है। ऐसी छोटी क्वेश्चन में जो है, छोटे क्वेश्चन में जो है गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती करोगे तो फिर बड़े क्वेश्चन में भी आपका मार्क्स नहीं आ पाएगा और ये गलती हो जाएगा, तो ये कहीं के नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन, कह रहा है कि सार्वभौमिक समय पर आधारित है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ ऑर्बिटल मोशन अराउंड द अर्थ, वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम, ऑसिलेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, कह रहा है कि सार्वभौमिक समय पर आधारित है। पृथ्वी की अपनी ध्रुव पर घूमना, पृथ्वी की चारों ओर कक्षीय गति, सीजियम परमाणु के कंपन, सीजियम परमाणु के कंपन या क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि अर्थ जो होता है ना, पृथ्वी का
पृथ्वी का यूनिवर्सल टाइम जो है किस पे बेस्ड है? क्या पृथ्वी के अपने एक्सिस पे, ये पृथ्वी का एक्सिस होता है, क्या पृथ्वी को जो है अपने अक्ष पे, पृथ्वी को जो है अपने अक्ष पे घूमने की, घूमने के ऊपर निर्भर करता है? पृथ्वी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी की, पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय गति, ए अर्थ रोटेशन, सबको ये आंसर कर रहे हैं। चलिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे रोटेट करती है, ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये जो होता है टाइम जो डिपेंड करता है आपका, टाइम जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यही ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा, पृथ्वी की, पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय गति, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। सीजियम परमाणु के कंपन से जो है आपका टाइम जो है 1 सेकेंड डिफाइंड होता है, 1 सेकेंड जो टाइम होता है 9192 जो आप लोगों को पहले ही बताया गया है, वो सीजियम परमाणु के इतना और भी रहता है, इसमें 63177 कुछ करके रहता है, इतना जो है कंपन 1 सेकेंड में होता है। तो 1 सेकेंड सीजियम परमाणु का कंपन उतना बार होता है, तो उस समय को 1 सेकेंड कहा जाता है, ठीक है। इधर देखेंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन से कोई बात ही नहीं होता। तो जो भी सार्वभौमिक समय आधारित होता है ना, वो सारा का सारा जो है आपके पृथ्वी का अपनी अक्ष के धुरी, अपनी धुरी पर घूमना या अपने अक्ष पे जो है घूमना ही, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, ये जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी के अपनी धुरी पर रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। वेरी गुड, सबका आंसर जो है, ही आस्क हाउ मच ऑब्जेक्टिव्स। चलिए, इंग्लिश में ही पेपर होता है, ठीक है, पेपर जो है आप लोगों का इंग्लिश में ही होता है, ठीक है, लड़ो मत आप लोग, बस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है, आपस में जो है लड़ाई करके कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है, जो भी डाउट है हम लोगों से पूछिए, आप लोग आपस में क्यों डिस्कशन कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए ना, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन मत करो सब यहाँ पे, देखिए थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन होता है, देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपका इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं इसमें से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हैं ना उसी को करा रहे हैं, तो इसीलिए तो आप लोगों को यूट्यूब सेशन लेकर के आया जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, इसे कीजिए, इससे पता चलेगा। इसमें जो जितना क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन जो है नहीं पूछा हुआ है, कुछ इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना उसी को हम लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, एक मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। कह रहा है कि लिस्ट जो है आपका ए है, लिस्ट ए है, मतलब लिस्ट एक है और लिस्ट दो है, लिस्ट वन है और ये जो है आपका लिस्ट सेकेंड है, ठीक है, लिस्ट वन है और लिस्ट सेकेंड है। लिस्ट वन में दिया हुआ है आपका जूल,
एक नंबर में दिया हुआ है जूल, ठीक है, और इधर ए दिया हुआ है, जूल जो है हिंदी हो जाएगा, इधर ए नंबर में दिया हुआ है हेनरी एम्पियर पर सेकेंड, हेनरी हेनरी एम्पियर पर सेकेंड, ये हो जाएगा क्या। उसके बाद में दो नंबर में दिया हुआ है आपका वाट, क्या दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, ये जो है वाट है आपका। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है फराड पर वोल्ट, फराड इंटू वोल्ट दिया हुआ है, फराड इंटू वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद में सी नंबर में जो है वोल्ट दिया हुआ है, थ्री नंबर में वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, सी में जो है कूलम्ब वोल्ट दिया हुआ है, कूलम्ब वोल्ट दिया हुआ है आपका, सी नंबर में कूलम्ब वोल्ट दिया हुआ है। कूलम्ब वोल्ट दिया हुआ है, चार में दिया हुआ है कूलम्ब और स्टेट सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताना है यहाँ पे कौन किसका लिस्ट में मैच कर रहा है। देखिए जूल का जो यूनिट होता है आपका क्या हो जाएगा, जूल का यूनिट हो जाएगा आपका, जूल जो हो जाएगा ये आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी इंटू क्यू या क्यू इंटू वी हो जाएगा। तो एक हो जाएगा आपका कूलम्ब इंटू वोल्ट, क्या हो जाएगा, कूलम्ब इंटू वोल्ट। तो कूलम्ब इंटू वोल्ट कहाँ पे है, ये जूल का जो हो जाएगा कूलम्ब इंटू वोल्ट हो जाएगा। तो वन का सी, वन का सी देखिएगा कौन सा है, वन का सी बी में है और आपका वन का सी सी में है, तो ये जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद में वाट जो है आपका अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, वाट का हो जाएगा, अच्छा वोल्ट दिया हुआ है तो वोल्ट का क्या हो जाएगा, कूलम्ब इन सॉरी वोल्ट का हो जाएगा आपका कूलम्ब बाय, ये हो जाएगा आपका डब्लू का कूलम्ब इंटू वोल्ट हो जाएगा और डिवाइड में कूलम्ब हो जाएगा तो ये वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फराड, सेकेंड का एफ हो जा रहा है, सेकेंड का एफ कौन सा है, ओम, सेकेंड का इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, सही क्वेश्चन जो है प्रिंट नहीं हुआ है लग रहा है। देखिए जूल का हम बता देते हैं, ठीक है, जूल का अभी बताया, देखिए जूल जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला होता है आपका वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्लू बाई क्या होता है, क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से डब्लू जो है निकालिएगा तो डब्लू इज इक्वल टू वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, तो ये हो जाएगा वोल्ट और चार्ज का कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू वोल्ट जो है ऑप्शन ये किसका हो जाएगा, कूलम्ब वोल्ट, ये तो वन का सी हो गया, ठीक है। वाट जो है अगर देखिएगा तो वाट जो है कैसे आ जाएगा, वाट जो है आपका एनर्जी बाई टाइम होता है, तो इसको टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो टाइम कहीं पे है क्या, टाइम कहीं पे है क्या, तो ये कूलम्ब बाई टाइम तो एम्पियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, कूलम्ब बाई टाइम एम्पियर, तो एम्पियर इंटू वोल्ट जो है कहीं पे है क्या, एम्पियर इंटू वोल्ट, तो फराड इंटू वोल्ट। एक होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी वी होता है, क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, तो सी का जो है फराड होता है, फराड इंटू वोल्ट, तो चार्ज का हो जाएगा आपका, तो फोर्थ का जो है आपका बी हो जाएगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू ये सी का होता है फराड और वोल्ट का हो जाएगा आपका फराड इंटू वोल्ट, तो फराड इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, फोर का बी, तो फोर का बी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये थर्ड में जो है फोर का ई दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है आपका बी मोस्ट प्रोबेबल बन रहा है, फोर का बी जो है आपका देख पा रहे हैं, फोर का बी हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कूलम्ब वोल्ट हो गया, हेनरी एम्पियर पर सेकेंड, तो हेनरी एम्पियर पर सेकेंड जो है ये हो जाएगा आपका एम्पियर गॉस का,
ये हो जाएगा गॉस का, हो जाएगा एम्पियर गॉस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड का एफ जो है ओम, सेकेंड का एफ हो जाएगा, सेकेंड का एफ हो जाएगा और थर्ड का ए हो जा रहा है, थर्ड का ए हो जा रहा है आपका हेनरी एम्पियर पर सेकेंड, थर्ड का ए हो जा रहा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है हाँ, इसमें थोड़ा सा जो है पेचीदा क्वेश्चन, इसीलिए इधर हम लिख रहे थे इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी जो पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई की नॉट ना, तो इसे जो है थोड़ा सा अलग वे में पूछा गया क्वेश्चन, सीधा सीधा नहीं पूछा गया। ठीक है, इसमें जो है सीधा सीधा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि हाँ कौन किसका क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें जो है प्रॉपर ये सभी का जैसे कि चार गो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चार गो इधर साइड में है और इधर ए बी सी डी ई एफ, मतलब आपका इधर ऑप्शन ज़्यादा दिया हुआ। ये एक्चुअल में ऐसे लिस्ट ए में जो है प्रॉपर इसको लिख देते हैं, लिस्ट वन में जो है ये दिया हुआ है, एक नंबर में जूल दिया हुआ है, दो नंबर में जो है आपको दिया हुआ है वाट दिया हुआ है। ठीक है, और तीन नंबर में जो है ये आपका क्या है वोल्ट दिया हुआ है, और चार नंबर में जो दिया हुआ है कूलम्ब दिया हुआ है, चार नंबर में कूलम्ब दिया हुआ है। अब देखिए इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ज्यादा है, ये है आपका हेनरी, हेनरी एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है आपका फराड, फराड इनटू वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है कूलम्ब, कूलम्ब इनटू वोल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कूलम्ब इनटू वोल्ट। डी जो दिया हुआ है आपका कूलम्ब सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ई जो दिया हुआ है आपका एम्पियर इनटू गॉस दिया हुआ है, एम्पियर इनटू गॉस दिया हुआ है, और एफ जो है आपका एफ जो है ओम दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको अभी बताया है कि जैसे कि इसमें कुछ ऑप्शन कूलम्ब इनटू वोल्ट कैसे आएगा सर, तो कूलम्ब इनटू वोल्ट जैसे कि क्यू इज इक्वल टू आप लोग पढ़ते हैं सी इंटू वी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है क्यू इंटू सी, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी है, तो कूलम्ब इनटू वोल्ट जो है किसका यूनिट होगा, चार्ज का। तो देखिए यहाँ पे कूलम्ब जो है, कूलम्ब है, कूलम्ब चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब बराबर जो है हम लिख सकते हैं कूलम्ब इनटू वोल्ट, सॉरी ये फराड इनटू वोल्ट, फराड इनटू वोल्ट वाला कौन सा हो जाएगा, कूलम्ब इज इक्वल टू फराड इनटू वोल्ट, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, सी का जो यूनिट होता है फराड होता है, फराड होता है, वी का क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, तो फराड इनटू वोल्ट जो है आपके कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। तो चार का क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो चार का बी किस में है, एक तो बी नंबर में भी दिख रहा है और ई में जो है नहीं दिख रहा, तो आपका ज़्यादा इसमें प्रोबेबल आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो चार का बी तो आपको एक मिल गया। अब देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे जूल है, तो जूल बराबर एक अभी बताया है कि भी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्या होता है क्यू नॉट, ये विभव होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो यहाँ से देखिए अगर डब्ल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू भी। अब देखिए क्यू नॉट का मतलब चार्ज, तो चार्ज का क्या होता है कूलम्ब होता है। ठीक है, चार्ज का कूलम्ब हो जाएगा, वोल्ट जो है भी का वोल्ट होता है, तो कूलम्ब इनटू वोल्ट, ये डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो कूलम्ब इनटू, कूलम्ब इनटू वोल्ट जो होगा वो जूल के बराबर होगा आपका। अब समझ में आया कि नहीं, कूलम्ब इनटू वोल्ट जो है जूल के बराबर होगा, कूलम्ब इनटू वोल्ट जो है जूल के बराबर होगा। तो ये एक का ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक का ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा कूलम्ब इनटू वोल्ट, कूलम्ब मतलब ए का सी होना चाहिए, तो ए का सी भी बी में है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें किसका, वोल्ट का, वोल्ट का अगर बात करें,
थर्ड का, तो वोल्ट जो है किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो वोल्ट जो है अगर देखें हम लोग, तो वोल्ट इज इक्वल टू रिलेशन कहाँ से लाए कि वोल्ट जो है किसके इक्वल होगा, वोल्ट जो है आपके किसके इक्वल होना चाहिए। तो वोल्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, वोल्ट जो हो जाएगा ये आपका क्या होता है, वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर होता है, ठीक है। क्या होता है, आई आर होता है। तो आई आर जो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, आई आर जो हो जाएगा, आई जो होता है ये आपका चार्ज क्यू बाई टी होता है इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, क्यू बाई टी इंटू आर हो जाएगा। तो इसका जो है कूलम्ब, और हेनरी जो होता है आपका, हेनरी जो होता है इंडक्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है। तो ये देखिए ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई क्या होता है, डीटी होता है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से, यहाँ से जो है एल इक्वल टू ये ईएमएफ होता है, ईएमएफ का वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकेंड बाई आई का एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये देखिए ईएमएफ वोल्ट के जगह पर जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है, एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, और ये हेनरी, तो ये ईएमएफ वोल्ट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए वोल्ट के जगह पे ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो ये देखिए एल जो है आपका हेनरी होता है, इसका हेनरी होता है, हेनरी यूनिट होता है, करेंट का एम्पियर हो जाएगा, करेंट का एम्पियर हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड। और ये जो है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ का आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए हेनरी एम्पियर पर सेकेंड जो हो जाएगा, हेनरी एम्पियर पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, वोल्ट के इक्वल होगा, ठीक है, हेनरी एम्पियर पर सेकेंड जो है किसके इक्वल होगा, वोल्ट के इक्वल होगा। अब देखिए तो आपका थर्ड का क्या हो जाएगा, वोल्ट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो थर्ड का ए जो है यहां पे हो गया, तो ये ऑप्शन में ए भी है। अब देखिए सेकंड का एफ कह रहा है, सेकंड का जो है वाट है, ठीक है, पावर जो इक्वल टू जो है आपका क्या है, ये जो है पावर इज इक्वल टू, तो ये ओम के बराबर होना चाहिए, ठीक है, पावर जो है ओम के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे रिलेट करना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर बाय यूनिट्स, कह रहा है कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बाय यूनिट, जो इकाइयां द्वारा दूसरों से भिन्न है, फेज डिफरेंस, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, लाउडनेस ऑफ साउंड, पॉइजनिस रेशियो। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, इसका आंसर कीजिएगा कितना होगा, चलिए इसको आंसर कीजिए, कौन जो है यूनिट्स में डिफरेंट होंगे, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बाय यूनिट। यूनिट्स में जो है डिफरेंस कौन होंगे, तो आपका यहाँ पे फेज डिफरेंस, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, लाउडनेस ऑफ साउंड, पॉइजनिस रेशियो क्या होगा, इनमें इनमें जो है कौन जो है यूनिट में डिफरेंस होगा, यूनिट से डिफरेंस कौन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश।
पॉइजन क्यों लिख रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर हम देख रहे हैं एकदम सही जा रहा है, एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी जो है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए कुछ जो है, कुछ बच्चे को जो है यूनिट वगैरह में प्रॉब्लम होता है तो देखिएगा। देखिए यूनिट जो है निकालना बहुत आसान है, किसी भी क्वांटिटी का जो है यूनिट अगर आपको निकालना है, यूनिट का मतलब बताए थे, यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी में आपका क्या होता है, नाम के जैसे काम करता है। अगर किसी को व्यक्ति को पहचानना है तो उसके नाम या शक्ल से पहचाना जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके नाम या शक्ल से पहचानते हैं, यही होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही यहाँ पे फिजिक्स में जो है आपका दो क्वांटिटी होता है, एक होता है यूनिट और एक होता है डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए ये डायमेंशन जो होता है ना, ये चेहरे मोहरे से जो पहचानते हो, चेहरा वगैरह से पहचान जो होता है डायमेंशन से होता है। ठीक है, वैसे ही भौतिक राशि की पहचान डायमेंशन से जो करते हो, डायमेंशन से जो है चेहरे वाले पहचान हो गया। यूनिट का मतलब होता है नाम वाला। ठीक है, नाम अगर किसी भौतिक राशि का जो है आप यूनिट बता रहे हो, इसका मतलब उसका नाम बता रहे हो, नाम से पहचान करते हो। और ये दोनों जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इससे दोनों से जो है क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है कम से कम हर एग्जाम में 5 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन से जो है 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। ठीक है, अगर किसी बच्चों को यूनिट में प्रॉब्लम होता है कि सर यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, तो थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होना चाहिए, मूलभूत भौतिक राशि जो है आपको याद होना चाहिए, मूलभूत भौतिक राशि क्या होता है। ठीक है, मूलभूत भौतिक राशि जो है याद होना चाहिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशियां। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज लिख लीजिएगा, मूलभूत भौतिक, मूल एक सेकेंड, मूलभूत भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां, उसके मात्रक एसआई यूनिट, एसआई मात्रक ये अगर आपको पता है, ये जो है 7 होता है। ठीक है, 7 होता है, जैसे कि एक हो गया आपका लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा लंबाई, इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है, क्या होता है मीटर होता है, इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं। दूसरा जो होता है आपका मास होता है, क्या होता है मास, द्रव्यमान होता है, क्या होता है द्रव्यमान होता है, ये होता है आपका किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम, केजी होता है इसका। ठीक है, 3 नंबर में अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका टाइम, क्या हो जाएगा टाइम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय, और यहाँ पे इसका एसआई यूनिट जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड, स्मॉल एस से सूचित करते हैं। 4 नंबर में अगर बात करें तो टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, तापमान, क्या होता है तापमान, इसका एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है, क्या होता है केल्विन, के होता है
चलिए फोर्थ फिफ्थ जो होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और ये होता है आपका विद्युत धारा, क्या होता है विद्युत धारा होता है। ये आपका इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, इतना तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर क्वांटिटी की बात करें तो आपका हो जाएगा सिक्स नंबर में हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका होता है कैंडेला सीडी, ठीक है कैंडेला होता है, क्या होगा कैंडेला। सात नंबर की बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। इसका होता है आपका मोल, क्या होता है मोल। देखिए इन भौतिक राशि का अगर मात्रक आपको पता है, इन भौतिक राशि का मात्रक अगर पता है तो बाकी को जो है आप लोग, बाकी का जो है आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये मूलभूत है, ये इतना जो है आपका मूलभूत है। जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ इस ब्रह्मांड को जो है बनाने के लिए जो है देवताओं का, देवताओं ने बनाया है, जिसमें ज़्यादा मेन जो है आप लोग सुनते हैं कि हाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है यही लोग जो है क्या करते हैं इस पूरे सृष्टि की रचना करते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर ये फिजिक्स की फिजिक्स जो है बना है तो इन्हीं सब क्वांटिटी के जो है मिलने से बना है। ठीक है, यही क्वांटिटी आपस में कंबाइंड होते हैं तो डिफरेंट क्वांटिटी का जो है उत्पादन होता है या ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वांटिटी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसी से जो है आपका फिजिक्स का निर्माण होता है। ठीक है, फिजिक्स के आगे के जितने भी क्वांटिटी होते हैं इसी इन्हीं सबसे मिल करके बनते हैं। ठीक है, इन्हीं सबसे मिल करके बनते हैं, समझ में आया क्या। तो इसका जो है मात्रक आप लोगों को ध्यान में रखना है और बाकी धीरे धीरे जो है समझने की कोशिश करना है कि आगे जो है जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों के सामने आएगा तो ये सब इन्हीं से निकला हुआ रहेगा, इन्हीं सब के कम्बिनेशन रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताया कि वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है आपका ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको डिराइव्ड बोला जाता है। और इस ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका एक डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि जितना भी पथ का लंबाई होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। जो टोटल पथ की लंबाई होती है वो क्या होती है डिस्टेंस होती है। तो बताइए लंबाई शब्द आया कि नहीं, तो लंबाई जो है आपका लंबाई का क्या हो जाएगा मीटर, तो इसका अगर निकालना है तो मीटर हो जाएगा। और टाइम का देखिए इसमें टाइम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में तो टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी का मात्रक बन गया मीटर पर सेकेंड, बन गया कि नहीं। तो ऐसे ही जो है आपके भौतिक राशि का धीरे धीरे आपको समझ उत्पन्न होती है, समझने की कोशिश करते हैं आप लोग कि हाँ यहाँ पे जो है कैसे मात्रक निकाला जाए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसे जो है आप लोग धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे यूनिट निकालना और डायमेंशन निकालना। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन जो है इसको लेकिन बेसिक आप लोग करके रखिएगा, इतना करके रखेंगे तो यूनिट और डायमेंशन में जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। डायमेंशन एक दिन बताए भी थे, अगर कहिएगा तो और बता देंगे आगे के क्लास में। यूट्यूब पे हाँ 8 से 9 चलेगी, मंडे से यूट्यूब पर 8 से 9 चलेगी। ठीक है, मंडे से जो है आपका क्लास यूट्यूब पे 8 बजे से 9 बजे चलेगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं।